हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी से रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बीजेपी में कल तक जिन चेहरों पर उम्मीद जताई जा रही थी उनमें से एक भी चेहरे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर मुहर लगने के साथ पार्टी के नेताओं के भीतर सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है आज, इसी को लेकर हम चर्चा और मंथन करने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ खास दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है। उससे पहले आपको खबर भी हमने बताई कि बीजेपी अपनी बैठक भी शुरू कर चुकी है। तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के उस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उन्होंने ये बैठक शुरू कर दी है। तो दो चेहरे बीजेपी की तरफ से जो कि सामने आते हैं और उनकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दुष्यंत कुमार गौतम, सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय सह प्रमुख भी दुष्यंत कुमार गौतम रहे हैं। इसके अलावा रामचंद्र जांगड़ा की बात करें तो जाटलैंड रोहतक के महम कस्बे के वो रहने वाले हैं। बीजेपी में उन्हें 3 बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, 2 बार ओबीसी मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामचंद्र जांगड़ा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो काफी कुछ इसको लेकर सुगबुगाहट चल रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कैसे कांग्रेस में जैसे ही नाम आता है दीपेंद्र हुड्डा का, उसके बाद तमाम जो बातें हैं सियासी मंच पर वो चलने लगती हैं। पार्टी के नेताओं के भीतर सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। तो राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को जो चुनाव होना है उसके लिए प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई। तैयारियां दोनों ही सियासी पार्टियां लगातार कर रही थी। तमाम जो दावपेच हैं वो उसमें खेले जा रहे हैं कि किसका नाम सामने लाया जाए, किसका नाम पीछे चल रहा है, दौड़ में कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है, इन सब को लेकर चर्चा भी हम कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। प्रदीप नरूला जी, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आया कि भाई राज्यसभा में आप भेजना ही है किसी को, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों ने तमाम दावपेच भी चले, सियासी हलचले भी काफी हुई, लेकिन जो चेहरे हैं मैं चाहती हूं उस पर जरा गौर करें। ये जो चेहरे सामने आए हैं, एकाएक बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पहले से तो ऐसी हलचल नहीं थी, अचानक से कैसे? देखिए पूजा, जहां तक हरियाणा का सवाल है, अगर सीधा सा अंगणित लगाएं, अगर सब कुछ व्यवस्थित रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो 2 सीटें राज्यसभा की बीजेपी प्लस जेजेपी को मिलती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जानी है। जहां तक कयास लगाने के प्रश्न है कि ये माना जा रहा था कि कास्ट फैक्टर को देखते हुए शायद बीजेपी एक न एक जाट कैंडिडेट को भी सामने लाएगी, क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र सिंह की एक सीट खाली हुई है तो ये माना जा रहा था। बाकी नामों के कयास थे, सब अपनी गोटियां फिट करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो चेहरे हैं, अगर उन चेहरों की बात की जाए तो वो सभी विधानसभा के चुनाव हारे हुए चेहरे हैं, बड़े चेहरे जिनकी हम बात बात हम कर रहे हैं। हाँ। जो दौड़ में दिखाई दे रहे थे। देखिए, राज्यसभा की सीट है, इसे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, बहुत ज्यादा तय नहीं करती, क्योंकि सेंटर का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, तो केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ही नाम तय हो जाते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रदेश में राज्यसभा का मेंबर जाना हो वह उस प्रदेश का वासी हो। अक्सर सभी पार्टियों में देखा गया है कि जो जिस तरह को किसी को ओबलाइज करना हो या किसी बड़े नेता की डिमांड हो तो कहीं से भी चुनकर आ जाता है। रही बात ये दिलचस्पी की कि अंगणित सीधा साधा है कि 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से नाम सामने आए, जिस तरह से शैलजा का नाम सामने आया या रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आया, विरोध हुआ, उसके बाद एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई गई, अपना प्रभाव दिखाया गया, सब विधायक इकट्ठे हुए, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्लियर हो गया। और पिछले चुनाव को देखते हुए, पिछले इतिहास को देखते हुए, जिस तरह से बीजेपी ने अनाउंस किया कि वो तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे, यानी कि उन्होंने इस चुनाव में पूरी तरह से दिलचस्पी बना दी। इससे पहले ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी, अंगणित का खेल था,
कि दो सीटें बीजेपी के पास, एक कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 31 कांग्रेस के अपने ही हैं, उन्हें 30 का आंकड़ा चाहिए। जी, जी। और एक कुंडू के आने से, यह माना जा रहा है कि गोपाल कांडा के भी आने से वो 33 का आंकड़ा हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ने यह दावा किया कि वो तीसरा कैंडिडेट भी उतारेंगे, तो कहीं इतिहास ना दोहराया जाए जो पिछली बार ऐसा हुआ था कि सुभाष चंद्रा को जिस तरह से पेन की शाही बदल के या कुछ भी क्रॉस वोटिंग या जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं, अगर बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट आता है, जिस तरह से बैठक शुरू हो गई है, दो नाम तय हैं, इनका बनना भी तय है, तीसरे नामों को लेकर चर्चा, अगर तीसरा नाम सामने आता है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है क्योंकि आज ही नॉमिनेशन भरना होगा, तो ये समीकरण बहुत दिलचस्प हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के पास इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जरिया है और वो इस तरह की हथकंडे दोबारा अपना सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसकी तरफ कर लेते हैं। अहम खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं हम। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है, उसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक जिसमें तमाम विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद नामांकन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी में कल तक कहा जा रहा था जिन चेहरों की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद नाम भी बदले और बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि जैसे बीजेपी ने कहा एक और नाम का ऐलान हो सकता है, तो कहा जा रहा है कि इस बैठक में मंथन विचार विमर्श उसको लेकर किया जा रहा है और उस नाम का अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है और थोड़ी ही देर बाद उसके बाद बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन भी भर देंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, लेकिन इससे पहले जो दो नाम सबसे आगे नजर आए जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम जो कि सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय सह प्रमुख भी हैं, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा रामचंद्र जांगड़ा जो कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी में उन्हें 3 बार प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये वो दो नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आए। हालांकि इससे पहले बड़े बड़े दिग्गजों के नाम इसमें सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद नाम एकदम से ये सामने आए, दुष्यंत कुमार गौतम और रामचंद्र जागड़ा के नाम पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों ही नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनका जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा था और इसीलिए उनके नाम पर सभी ने हामी भी भरी है। इधर भाजपा हाईकमान ने राज्यसभा सदस्य पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए कहा यह जा रहा है कि जो जातीय समीकरण है उनको साधने का काम भी किया है, क्योंकि कहा जा रहा था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि यहां पर कास्ट फैक्टर चलने वाला है, जातीय समीकरण चलने वाला है और वो चला भी है, वो दिखा भी है इन दोनों नामों के जरिए। तो महत्वपूर्ण खबर पर हम लगातार बने हुए हैं इस वक्त की। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है, बीजेपी के तमाम बड़े विधायक मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन और बैठक के बाद जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो अपना नामांकन भी भर देंगे। तो भाजपा ने जहां पिछड़े और अनुसूचित जाति वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो वहीं जांगड़ा की उम्मीदवारी से जाटलैंड में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा मूल रूप से रोहतक के महम जिले से हैं और इसीलिए कहा जा रहा है उनका गढ़ भी वो माना जाता है, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर भी पड़ने वाला है। तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। अब राज्यसभा का टिकट देकर भाजपा ने जांगड़ा को प्रदेश में पिछड़ी जाति के एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट भी कर दिया है और ऐसा करके भाजपा प्रदेश में पिछड़े वर्ग के साथ संतुलन बिठाना चाह रही है। ये जोड़गणित हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का जोड़गणित चल रहा है।
तो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बीजेपी की तो बात हमने कर ली है और बैठक भी शुरू हो गई है, बैठक के बाद आपको लग रहा है जिस तीसरे का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा? देखिए, अभी पूजा आप बता रही थी दो कैंडिडेट की बात, ये हम पूरे समीकरण में एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि बीजेपी का जो दूसरा कैंडिडेट है वो जेजेपी के विधायक प्लस निर्दलीय विधायक, उनकी राय भी मायने रखती है। तो मतलब उनकी राय ली गई है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी राय की मायने रखती है। हाँ। क्योंकि जो उनका दूसरा कैंडिडेट है, अगर प्रथम वरीयता में दोनों कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना है तो उन उन विधायकों की, जेजेपी की पार्टी की और उन विधायकों की भी सहमति मायने रखती है। इसलिए कम से कम कास्ट फैक्टर के साथ साथ उनकी सहमति भी लेना बहुत जरूरी था, और मेरे ख्याल से ये सभी कुछ साध के ही बीजेपी ने ये दो नाम आगे बढ़ाए हैं। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि बीजेपी की बात होली है, हाँ। तीसरे कैंडिडेट का इंतजार है, जैसे कि बीजेपी ने पहले अनाउंस किया था कि हम तीनों कैंडिडेट खड़े करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, यूं तो कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने का आंकड़ा उनके पास है, आंकड़ों के खेल में वो राज्यसभा के लिए जो उनको चाहिए 30 विधायक वो उनके पास हैं। लेकिन जिस तरह से नाराजगी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि शैलजा नामांकन में दाखिल नहीं होंगी, नहीं जाएंगी, तो जिस तरह से नाराजगी, दूसरा गुट भी ये प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा जाने से रोका जाए, और अगर प्रथम वरीयता में उन्हें वो ये कामयाब नहीं रहे तो बीजेपी कोई ना कोई बड़ा खेल कर सकती है। लग रहा है आपको प्रदीप जी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें कामयाब हो जाएगा क्या एक खास वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्योंकि पहले नाम जैसे चल रहे थे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, और फिर नाराजगी देखने को मिली अंदर खेमे में, कहीं ना कहीं वो अंदरूनी कला फिर से कांग्रेस में जगजाहिर हो गई है। देखिए पूजा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने अपना एक तरह से प्रभाव जता कहा, लाला कामान पे प्रभाव डालने की कोशिश की, तो उस दिन भी उनके पास 22 MLAs थे, यानी कि 9 MLAs अभी ऐसे हैं जो किसी कारणवश वहां नहीं थे जी। इसका मतलब है कि दूसरे गुट के पास भी कोई ना कोई आंकड़ा है जिसे वो प्रभावित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या आलाकमान 31 के 31 विधायकों को एकजुट रख सकता है, ठीक है, क्या जो लोग नाराज हैं उनको साधा जा सकता है। हाँ। क्योंकि आलाकमान इस पे पूरा जोर लगाएगा, जो प्रकरण अब एमपी में चल रहा है, मध्य प्रदेश में, और जिस तरह के हालात धीरे धीरे कांग्रेस में बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। उसमें आलाकमान का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव भी ऐसा हो गया। बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से, थोड़ी देर बाद नामांकन करने वाले हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन ये देखना है कौन कौन से विधायक उनके साथ वहां मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कांग्रेस के द्वारा दिया गया नाम दीपेंद्र हुड्डा। अब दीपेंद्र हुड्डा नामांकन के लिए जाने वाले हैं, उनके साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे, लेकिन कौन कौन से विधायकों की मौजूदगी रहेगी, वो कौन से चेहरे हैं जो दिखने वाले हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ, और क्या इससे एक बात फिर से स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस में अंदरूनी कला अभी भी हावी है, क्योंकि इससे पहले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम जैसे चल रहा था, विरोध का सामने करना पड़ा उनको, नाराजगी भी देखने को मिली, उसके बाद एक नाम सामने आता है दीपेंद्र हुड्डा का। अब ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा नामांकन के लिए कुछ ही समय बाद वो भरने वाले हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदीप नरूला जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं यहां पर जरूर लेना चाहूंगी। दीपेंद्र हुड्डा नामांकन तो करने वाले हैं, लेकिन आप जरा ये भी बताइए विधायक जो उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं उनको लेकर जरा चर्चा चल रही है कि कौन से विधायक दिख सकते हैं उनके साथ। बाईस विधायक जो उन्होंने इकट्ठे किए लंच के बहाने, वो एक तरह से सीधे अपनी शक्ति प्रदर्शन था उनका। और वस्तुस्थिति ये है कि 22 विधायकों से दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता, बिल्कुल, उसके लिए 30 विधायकों का होना बहुत जरूरी है। और रही बात आलाकमान की, कि आलाकमान जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया हुड्डा गुट ने, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता था,
क्योंकि आलाकमान को भी ये पता है कि हुड्डा गुट के ये विधायक किसी भी सूरत में, जो बाकी हमने अभी चुनाव देखा विधानसभा का, तो जिस तरह से हुड्डा ग्रुप ने आलाकमान पर प्रभाव डालकर अपने हुड्डा अपने लोगों को जिताकर वो लेके भी आए, एक अच्छा रिजल्ट भी दिया उन्होंने, तो आलाकमान उस प्रेशर में भी है और इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अगर बिल्कुल इनको इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी टूट का खतरा था, और दूसरों को भी अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको भी मनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दो चार अगर प्रभाव में हुए दूसरे गुटों के तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं। तो प्रदीप जी, कैसे मतलब ये स्पष्ट हो पाएगा? जैसे आपने आंकड़ा बताया कि सिर्फ 22 के बलबूते पे तो ये है नहीं पॉसिबल, वो 30 सब कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं? नहीं, 30 देखिए, दो जैसे मैंने आपको बताया कि दो निर्दलीय, एक निर्दलीय तो बलराज कुंडू ने तो सीधे तौर पर अनाउंस भी कर दिया है कि वो दीपेंद्र हुड्डा वो को, समर्थन दे चुके हैं मतलब। हाँ, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि गोपाल कांडा भी, जो पिछले दिनों प्रकरण रहा और हालात रहे जिस तरह के सरकार बनने के वक्त, तो वो भी वहाँ उनके खेमे में जा सकते हैं। ये दो 31+2 33, और अब ये देखना है कि वाकई कितने विधायक हैं जो कांग्रेस के दूसरे गुट दूसरे नेताओं के प्रभाव में हैं, जो क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं या किसी तरीके से वोट रिजेक्ट भी करा सकते हैं। जी तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ, क्योंकि इतिहास है हरियाणा का, ऐसा होता रहा है, बिल्कुल पिछले चुनाव में भी शाही बदलने की प्रक्रिया में यही हुड्डा गुट के 12 विधायक थे जो शाही बदलने में जिनकी वोटिंग रिजेक्ट हुई। तो अगर ऐसा कुछ खेल हुआ जो पहले हो चुका है, जिसकी संभावनाएं हैं, मतलब हो सकता है, संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि जी, ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं, बन सकती हैं। नहीं हाँ, तो बीजेपी तीसरी कैंडिडेट के लिए कभी भी अनाउंस नहीं नहीं करती, करती। कि वो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि हम तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके उनके पक्ष में जा रहा है, या कहीं ना कहीं उनसे के कोई ना कोई संपर्क में है। तीसरा नाम वो कौन सा लग रहा है प्रदीप जी? देखिए, ऐसी स्थिति में जैसा पिछला इतिहास था, सुभाष चंद्रा तीसरे कैंडिडेट थे, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा नाम आएगा जो पार्टी में किसी तरह की दूसरे विधायकों की पकड़ भी रखता होगा, या फिर एक कॉमन नाम होगा जो शायद दूसरे लोगों को भी मानने होगा। ठीक है प्रदीप जी, एक बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ जरा नजर डालते हैं।